हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संदीप सांगवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसआर ब्लॉग में। आपका करता हूं बहुत बहुत स्वागत। सो आज जो व्लॉग है उसमें रेनू जी भी मेरे साथ रहने वाली हैं। तो व्लॉग जो कंप्लीट हम लोग आज का जो शूट करेंगे वो है इनकी अकलदाड़ जो है वो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कराने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ने अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ले लिया है, ट्रीटमेंट वहीं पर जाके पता चलेगा क्या ट्रीटमेंट इनको मिलेगा, क्योंकि वो पहले देखेंगे कि कितना डैमेज हो गई है दाढ़ जो है, और उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा। वैसे आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिएगा क्योंकि वीडियो में पूरा लाइव प्रोसेस में शूट करने की कोशिश करूँगा, और जितने भी लोग इस चीज़ से थोड़ा परेशान हैं तो वो देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, और आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अभी डॉक्टर साहब के पास में, और रेनू भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको लिटा दिया गया है, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ, थोड़ी बातें कर लेता हूँ उनसे कि किस तरीके से वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो ब्रीफली वो पूरा हम लोग को बताने वाले हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट होने वाला है। तो आप लाइव बिल्कुल प्रोसीजर देख सकते हैं और डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह, रोटा रोड पर नंद विहार गेट नंबर 2 के सामने 2014 से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मैंने अपना ग्रेजुएशन सुभारती डेंटल कॉलेज से किया है। मैं पिछले 6 साल से यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं, और आज सर हमारे पास आए हुए हैं अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि इनकी वाइफ को अक्कलदाड़ में प्रॉब्लम है जी। तो अक्कलदाड़ में जब भी किसी को कोई समस्या होती है तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो अक्कलदाड़ जो है प्रॉपर तरीके से निकली हुई है या फिर आड़ी या तिरछी या पूरी तरीके से निकली नहीं है। okay. इस चीज़ को अगर हमें क्लिनिकली आंखों से अगर दिख जाती है पेशेंट के ओरल कैविटी माउथ में तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इसके लिए एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। okay. कई बार हम एक छोटा एक्सरे जैसे हम IOPA बोलते हैं उसके थ्रू देख लेते हैं। कई केसेस में क्या होता है कि जो अक्कलदाड़ होती है वो तिरछी पड़ी होती है और हड्डी से जुड़ी होने के कारण हमें छोटे वाले एक्सरे में प्रॉपर नहीं देख पाता है, तो उसके लिए हम बड़ा वाला एक्सरे जिसको हम OPG कहते हैं उसको करवाते हैं। okay. और OPG में हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि जो दांत है जिसे हम अक्कलदाड़ कहते हैं, जो सबसे आखिरी दांत होता है, 4 अक्कलदाड़ होती हैं, उसकी पोजिशन हमें क्लियर पता चल जाती है और फर्दर फिर हम उस दांत का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके तो डॉक्टर साहब, पहला जो स्टेप हमारा रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप अभी पेशेंट के साथ? देखिए, अभी सबसे पहले हम क्लिनिकली चेक करेंगे, ठीक है, क्लिनिकली देखेंगे ठीक है कि दांत पूरा इरप्ट हो चुका है या नहीं। ओके या इरप्ट हो चुका है या उसमें कीड़ा लगा हुआ है। okay. अगर कीड़ा लगा है तो कितना लगा हुआ है, नस तक वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। okay. तो क्लिनिकली एक बार चेक करेंगे, इसके okay. बाद हम आपको बता दें। चलिए तो स्टार्ट करें। ओके okay. ठीक। कि इनके केस में क्या है कि इनकी अक्कलदाड़ जो है प्रॉपर इरप्ट हो चुकी है, लेकिन उसमें कीड़ा लगा हुआ है, सड़न बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है, और वो सड़न इतनी अंदर तक जा चुकी है कि वो नस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अभी नस से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल करीब है उसके,
तो इस वजह से इसको इस दांत में दर्द हो रहा है और साइड से पूरा दांत जो है सड़ गया है। अब इस दांत में दो ऑप्शन रहते हैं, अगर आप चाहो तो इस दांत को अगर बचाना चाहो तो नसों का इलाज भी हम इसमें कर सकते हैं। ओके, नसों के इलाज से हम इस दांत को बचा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस दांत को नहीं बचाना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि अक्कल जाड़ कहते हैं कि अक्कल जाड़ का खाना चबाने में कोई रोल नहीं होता है ऐसे, तो आप चाहो तो इस दांत को निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए इस दांत में सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करने के बाद ही निकलेगा ये, नॉर्मल जैसे दांत होता है कोई हम निकालते हैं तो उस तरीके से ये दांत नहीं निकलेगा। ओके, ठीक है। और उसके लिए पहले हमें एक एक्सरे कराना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो रेनू जी से पूछ लें कि उन्हें अपना दांत बचाना है या नहीं बचाना है, बताइए। बचा सकते हैं, बचा सकते हैं तो हो जाएंगे, नहीं कुछ भी हो जाएगा, बच भी जाएगा और नहीं भी बचेगा। तो दोनों ऑप्शन देखिए, अगर आप बचने का कितना चांस है, बचने के चांसेस एक्सरे के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसकी जो जड़ है वो, कई बार क्या होता है कि जड़ अक्कल जाड़ की जड़ जो है घूमी हुई होती है, ठीक है। अगर जड़ घूमी हुई है तो कई केसेस में अक्कल जाड़ के केस में जो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट नसों का इलाज करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक्सरे में एक बार को देख के हम कंफर्म कर देंगे कि इसमें रूट कैनाल पॉसिबल है या नहीं है। तो आप पहले कंफर्म ही कर लीजिए, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे बचानी है निकलवानी है। तो पहले एक्सरे कर लेते हैं फिर से, ठीक है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये एक्सरे हुआ था अभी, तो एट अ टाइम ही रिजल्ट आ गया क्लिनिक पे, इतना एडवांस क्लिनिक है। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई ये रिपेयर कराने से ज़्यादा बेटर आपको, अगर आप इसको रिमूव करा देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी हमारा जो डिसीजन रहेगा वो यही है कि हम लोग रिमूव पर ही जाएंगे और आगे का ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक्सरे मैंने ले लिया है इनका, एक्सरे में क्या दिखा है कि दांत कुछ ज़्यादा ही डैमेज है, ठीक है। और इसकी जो इस दांत में दो जड़ें होती हैं और दोनों में जो आगे वाली जड़ होती है वो काफ़ी मुड़ी हुई है, ठीक है। तो मुंह कम खुल रहा है पेशेंट का और जड़ काफ़ी मुड़ी हुई है, इस वजह से इस दांत में जो नसों का इलाज है जैसे हम रूट कैनाल कहते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब चूँकि इस दांत का खाना चबाने में कोई रोल नहीं और चूँकि इसके नीचे पस भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इसलिए इस दांत को बचाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और शायद रूट कैनाल सक्सेस ना हो, इसलिए इस दांत को निकलवाने में ही फ़ायदा है। अब निकालने के लिए क्या है कि इस दांत की जो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, इस दांत की जो आगे वाली जड़ है वो काफ़ी घूमी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से, और ये दांत हड्डी से अटैच्ड है, ठीक है। देखिए इस दांत की जो आगे वाली जड़ है वो कुछ काफ़ी हद तक घूमी हुई है, ठीक है, इसलिए रूट कैनाल पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसका। और पीछे वाला जो पोर्शन है वो हड्डी से अटैच्ड है, तो जब हम इस दांत को निकालेंगे तो पहले हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल तरीके से इसको निकालें। अगर ये नॉर्मल तरीके से नहीं निकल पाता है तब फिर हमको इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करने के लिए हम एक मसूड़े में चीरा लगाते हैं, इसके बाद जो नीचे की हड्डी है वो विजिबल हो जाती है, फिर हम हड्डी में एक गटरिंग करते हैं, उसकी वजह से जो बोन से अटैच्ड है दांत वो हल्का सा लूज़ हो जाता है, जिससे हमें इसे निकालने में आसानी रहती है। अगर हम बिना चीरा लगाए और बिना गटरिंग किए बोन में निकालने की कोशिश करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर का जो पोर्शन होता है दांत का जिसको हम क्राउन कहते हैं वो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं उसके, और अगर वो एक बार फ्रैक्चर हो गया तो उसकी जड़ अंदर ही रह जाएगी और फिर वो निकालने में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसीलिए हम पहले कोशिश करते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से निकल जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर हमें लगता है कि नहीं हम इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक फ्रैक्चर कर सकता है, तो उस फ्रैक्चर से बचने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चीरा लगा के उसको ओपन करके निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद निकालने के बाद हम जो मसूड़े में हमने चीरा लगाया था, इंसिजन दिया था, उसको सूचर के थ्रू, जिसे हम टाँके बोलते हैं, टाँके दो या तीन टाँके इसमें लगा देते हैं, सूचर कर देते हैं, जिससे जो हीलिंग होती है, जो जख्म भरता है
उस जो जल्दी हो जाती है उससे, अगर हम खुला छोड़ देंगे उसको तो उसमें फिर फूड लॉजमेंट होगा, खाना फंसेगा, तो हीलिंग जो है डिले हो जाएगी। और हम अगर उसको सूचर से कवर कर देते हैं तो वो हीलिंग बहुत अच्छी होती है उससे, और फिर एक हफ्ते बाद आप सूचर को कटवाने के लिए क्लिनिक पे आ सकते हैं। टूथ को हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, दांत निकल चुका है, पूरा दांत निकल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम स्टार्टिंग में कोशिश करेंगे कि बिना सर्जरी के निकले, ठीक है। लेकिन कोशिश करते टाइम क्या हुआ कि ऑलरेडी दांत आगे साइड से फ्रैक्चर था और कीड़ा लगा हुआ था, तो जैसे ही प्रेशर लगाया तो दांत टूट गया, फ्रैक्चर कर गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें फिर ओपन करके ही निकालना पड़ता है। तो फिर हमने इंसीजन दिया, इंसीजन देने के बाद जो है बोन जो थी एक्सपोज जो हुई बोन, उसको हमने कट किया, ड्रिल किया, गटरिंग की, स्पेस बनाया। और स्पेस बनाने के बाद फिर हमने उसको टूथ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि इसकी जड़ टेढ़ी थी, इस वजह से हमने टूथ को दो पार्ट में डिवाइड किया और फिर एक एक करके दोनों जड़ों को हमने निकाल दिया। और इसके बाद जो हमने इंसीजन दिया था, चीरा लगाया था मसूड़े में, उसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके उसमें टाँके लगा दिए, दो टाँके आए हैं। अब जो सर्जरी के बाद अब जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने इसमें कॉटन लगाया है वो आपको कम से कम एक घंटे के लिए ऐसे दबा के रखना है। जो मुँह के अंदर पानी बनेगा उसको आपको बाहर थूकना नहीं है, वो अंदर निकलना है, ठीक है। और एक घंटे के बाद जैसे ही कॉटन आप निकालेंगे तो चिल्ड ठंडे पानी से आप मेडिसिन जो मैंने प्रिस्क्राइब किए हैं आप मेडिसिन ले लीजिएगा, और अगर आइसक्रीम अवेलेबल हो जाती है तो आप आइसक्रीम खा लीजिएगा, ठीक है। और 24 घंटे तक जो मुंह में पानी बनेगा, ब्लड भी हल्का सा आ सकता है, तो आपको बाहर नहीं थूकना है उसको, आपको अंदर ही निकलना है उसको, ठीक है। और 24 घंटे तक जो भी आप खाना खाएंगे वो ठंडा, नरम, हल्का खाना खाएंगे, ठंडा करके खाएंगे, जैसे कि हलवा हुआ, खिचड़ी हुई, दलिया हुआ, चावल दही हुआ। आइसक्रीम खाएंगे तो आइसक्रीम आप कप से खाएंगे, कप वाली खाएंगे, वो चूसने वाली आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रूटी भी अगर आप पीते हैं तो फ्रूटी को स्ट्रॉ से नहीं पीना है, आपको कप में या ग्लास में करके पीना है। और 24 घंटे के बाद जैसे सपोज़ आज दांत निकला है इस टाइम, और कल शाम से गुनगुने पानी में, हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के आपको दिन में 3 से 4 बार कुल्ले करने हैं। इससे क्या होगा, इससे ज़ख़म जल्दी भरेगा, तेज़ी से भरेगा। और दवाई आपको टाइम पे खानी है, खाने में कोई परहेज नहीं है, जो मर्ज़ी आप खा सकते हैं। और जो ठंडा खाना है वो सिर्फ 24 घंटे तक खाना है, और इसके बाद आप कुछ भी खाने में ले सकते हो, ठीक है। और एक हफ्ते के बाद आपको जो टाँके हमने लगाए हैं उनको कटवाने के लिए, रिमूव कराने के लिए आपको आने हैं। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी पूरा आपको प्रोसीजर बता दिया और अभी तक हम लोगों ने पूरा लाइव देखा है, सो डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्टर साहब का पूरा एड्रेस भी दूंगा आपको और फ़ोन नंबर भी दूंगा। और जितने भी रोटा रोड वाले हैं, मेरठ वाले हैं, वो प्लीज़ बेधड़क यहाँ पे आ सकते हैं और एक बार अपना ट्रीटमेंट जरूर करा के देख लें, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट जो मेरी वाइफ का हुआ है वो बिल्कुल परफेक्टली हुआ है। और एक हफ्ते के बाद में जो भी रिव्यूज़ होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।